फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न रीड की। आज हम पढ़ेंगे कंपनी अकाउंट्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि शेयर को कैसे इशू किया जाता है किसी भी कंपनी के द्वारा। ये हमारा 12th का एक चैप्टर है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कंपनी क्या होती है। तो कंपनी हमारी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसका खुद का अस्तित्व होता है, मतलब जो भी उसके शेयर होल्डर होते हैं, जो भी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, उनसे अलग होती है। मतलब कंपनी कैसे सेपरेट एग्जिस्टेंस कैसे है कि भाई एक कंपनी के ऊपर अगर कोई केस कर देगा तो कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड होगा, ना कि उसके मेंबर के, ना कि उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। ठीक है, कंपनी की खुद की कॉमन सील होती है, मतलब मोहर होती है। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। तो देखो, जो कंपनी होती है ना, वो हमारी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होती है। वॉलेंट्री मतलब जो लोगों के द्वारा, जो पर्सन्स होते हैं उनके द्वारा मिलकर क्रिएट की जाती है, लोगों के प्रोसेस के द्वारा, क्या करने के लिए, बिजनेस को कैरी करने के लिए। जो कंपनी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो क्रिएट की जाती है लोगों के द्वारा, जिसका खुद का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है और जो कंटिन्यू रहती है। मतलब कोई मेंबर आए जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे कंपनी पर, और उसकी एक कॉमन सील होती है। इसी से आप इसके फीचर्स को समझ सकते हैं कि वो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस रखती है। मतलब कंपनी एक लीगल पर्सन है जिसका बिल्कुल डिफरेंट एग्जिस्टेंस होता है, सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, मतलब अस्तित्व अलग होता है उसके जो भी मेंबर्स वगैरह होते हैं। क्योंकि कंपनी ना खुद के नाम से सारे एक्शंस लेती है, परचेज का, सेल का, अगर अकाउंट कहीं खोलना है बैंक में, वो सारा, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो भी कंपनी के नाम से होगा। क्योंकि जो कंपनी है ना उसका अलग अस्तित्व होता है उसके मेंबर से, क्रेडिटर्स वगैरह से। अगर कोई भी कंपनी के ऊपर केस भी किया जाएगा ना, तो वो भी कंपनी के नाम से ही रजिस्टर्ड होता है। परपेचुअल का मतलब होता है कि जो कंपनी होती है ना वो कंटिन्यू रहती है, वो कभी अफेक्ट नहीं होती। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाए, मेंबर रिटायर हो जाए, डेथ हो जाए, अगर कोई जो मेंबर है वो लूनेसी हो जाए, मतलब पागल हो जाए, या इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब दिवाली हो जाए, उसके पास कोई पैसा ना बचे, ठीक है, शेयर होल्डर कंपनी में आते हैं जाते हैं, उससे कंपनी पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, कंपनी कंटिन्यू रहती है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कहता है कि जो लायबिलिटी होती है ना शेयर होल्डर की कंपनी में, वो लिमिटेड होती है। मतलब कंपनी कभी भी उससे, उसके जितनी हम उससे मांगते हैं ना, मतलब कंपनी किसी मेंबर से, किसी भी शेयर होल्डर से जितना पैसा मांगती है उससे ज़्यादा नहीं मंगवा सकती, उसकी लिमिटेड होती है लायबिलिटी। जैसे एक कंपनी के 10 शेयर होल्डर था, मतलब 10 रुपए का एक शेयर होल्डर था, 8 रुपए मांग लिए थे, अब कंपनी सिर्फ 2 रुपए ही मांग सकती है, 2 रुपए के हिसाब से ही मांग सकती है, उससे ज़्यादा नहीं मांग सकती, जितने शेयर किसी भी शेयर होल्डर ने एक्वायर कर सकते हैं। उसकी खुद की कॉमन सील होती है, मतलब जो किस पर लगाई जाती है, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी पर। जरूरी नहीं है कि वो कॉमन सील रखे, लेकिन हाँ अगर होती है तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के इंपॉर्टेंट, उन पर लगाई जाती है। जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी टाइप होते हैं, मतलब जिनको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। फिर बात आती है मैनेजमेंट है ना जो कंपनी की, वो उसकी ओनरशिप से अलग होती है। क्योंकि देखो हमें पता है कंपनी के मेंबर जो होते हैं, जो कंपनी के ओनर होते हैं वो कौन होते हैं, उसके शेयर होल्डर होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा होते हैं संख्या में। कैसे कि भाई लगा लो कंपनी ने 5,00,000 शेयर इशू किए, तो ज़रूरी नहीं है एक ही पर्सन उसको एक्वायर करेगा, किसी ने 5,000 किए, किसी ने 10,000 किए, तो कितने ज़्यादा शेयर होल्डर हो गए। और वो भी ज़रूरी नहीं है एक ही जगह से, वो बहुत ज़्यादा जगह से होते हैं, तो उनका मिलना बार बार, डे टू डे जो भी एक्टिविटीज़ होती है कंपनी को, उन मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए कंपनी में कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनको शेयर होल्डर के द्वारा चूज़ किया जाता है, वो कंपनी के जो भी काम वगैरह होते हैं उनको मैनेज करके चलते हैं, ठीक है। अब बात आती है काइंड्स ऑफ कंपनी की, कंपनी के क्या प्रकार है, कंपनी कितने प्रकार की होती है। तो कंपनी को बांटा गया है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटेड, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। शेयर्स के अकॉर्डिंग कंपनी को 3 पार्ट्स में बांट रखा है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी, जिनको अब हम डिटेल में समझते हैं कि जो शेयर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, मतलब 1% कंपनी। तो देखो अनलिमिटेड कंपनी कौन सी होगी, मतलब जिसमें जो भी शेयर होल्डर हैं, जो भी मेंबर है कंपनी के, उनकी जो लायबिलिटी है ना वो अनलिमिटेड हो। मतलब जब कंपनी को रिक्वायरमेंट्स हो, कंपनी के पास सफिशिएंट पैसा ना हो, या कंपनी वाइंड अप हो रही हो, तो वो अपने जो भी मेंबर्स वगैरह हैं उनसे, उन्होंने जितने शेयर्स वगैरह एक्वायर कर रखे हैं उससे ज़्यादा पैसा मांग सकती है। तो देखो
जहाँ पे जो लिमिट है ना लाइफ, जो भी मेंबर होते हैं उनकी जो लाइबिलिटीज होती है वो लिमिट नहीं होती, मतलब फिक्स नहीं होती, ज़्यादा होती है। जहाँ पे जो कंपनी को अगर लॉस भी होता है तो कंपनी क्या करती है, अगर उसकी प्रॉपर्टी सफिशियंट ना हो तो जो भी उसके मेंबर्स हैं वो उनसे क्लेम ले सकते हैं, उनसे पैसे मांग सकती है। जबकि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में ये होता है कि जो मेंबर होता है उसने जितनी गारंटी दे रखी है कंपनी सिर्फ उतना ही पैसा उससे मांग सकती है वाइंड अप के टाइम पर, या जब भी भाई उसे पैसे की ज़रूरत पड़ती है। लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये होता है कि शेयर होल्डर ने कितने शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं उसकी जो नॉमिनल वैल्यू होगी कंपनी उससे उतना ही पैसा मांग सकती है, मतलब जो शेयर होल्डर है उतना ही पैसा पे करने के लिए लायबल होता है, ठीक है, चाहे तो कंपनी के एग्जिस्टेंस के दौरान या कंपनी जब वाइंड अप हो जाती है तब। अब बात आती है जो लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी होती है उसको तीन पार्ट्स में बांटा जाता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी वो होगी, मतलब देखो जो ना अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, उसके पास कोई राइट नहीं है ट्रांसफ़र करने का, जिसके जो मेंबर्स की लिमिट होती है वो 200 होती है, ठीक है। और जो मतलब कंपनी होती है ना वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपने शेयर्स वगैरह को परचेज़ करने के लिए, एक्वायर करने के लिए। और जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके नाम के पीछे क्या लगा होता है, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये हमारी प्राइवेट कंपनी होती है सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। पब्लिक कंपनी क्या होगी, जो इनके अलावा अलग फीचर सकती है, मतलब जो पब्लिक को अपने शेयर्स को क्या कर सकती है, ऑफर कर सकती है, उन्हें इनवाइट कर सकती है, ठीक है। तो देखो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम तो 7 और मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं होती है। जो प्राइवेट कंपनी होती है ना वो इनवाइट नहीं कर सकती पब्लिक को, जबकि जो पब्लिक कंपनी होती है वो इनवाइट कर सकती है अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करवाने के लिए। जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करने पर, जबकि पब्लिक कंपनी पर ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। फिर बात आती है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट। तो कहता है कि जो प्रिपरेशन होती है ना आर्टिकल्स की वो ज़रूरी होती है प्राइवेट कंपनी के लिए, जबकि इसके लिए ज़रूरी नहीं होती। ये आर्टिकल्स की जगह है, मतलब अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो जो टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 है ना कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई कर सकती है। इसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर कम से कम 2 होने चाहिए, इसमें 3 होने चाहिए। इसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा जरूरी होता है, इसके पीछे लिमिटेड, ठीक है। अब बात आती है 1% कंपनी, जिसके नाम से ही क्लियर होता है 1% कंपनी वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन मेंबर होता है, लेकिन इसके ऊपर कुछ रूल्स अप्लीकेबल होते हैं। क्या क्या मेंबर 1% कंपनी का कौन हो सकता है, तो जो हमारे देश का नागरिक हो, रेजिडेंट हो, नेचुरल पर्सन हो तो वो हो सकता है। अब आपसे एक वर्ड आया यहाँ पर रेजिडेंट क्या होता है, तो रेजिडेंट वो होगा जो पिछले साल, मतलब जो अभी कैलेंडर ईयर गया है उसमें कम से कम 182 दिन कहाँ पे रहा हो, हमारे इंडिया में रहा हो, हमारे भारत में रहा हो। जो 1% कंपनी है उसमें एक पर्सन सिर्फ एक ही कंपनी बना सकता है। इसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो कभी भी 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती, और जो इसका एवरेज एनुअल टर्नओवर है ना 3 सालों का वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। पर्पज़ क्या है, कहता है कि जो 1% कंपनी है ना, कहता है कि उसके ऊपर रूल 214 के अकॉर्डिंग क्या बता रहे 2014 के अकॉर्डिंग जो 1% कंपनी होती है ना वो चैरिटेबल पर्पज़ के लिए नहीं हो सकती। चैरिटेबल मतलब जैसे भाई सोसाइटी पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो कहता है कि मतलब सिर्फ वो बिजनेस पर्पज़ के लिए होनी चाहिए। अब बात आती है जो 1% कंपनी है ना, तो आप उसको पब्लिक में कन्वर्ट कर सकते हैं ना प्राइवेट में, कब तक, जब तक कि 2 साल का पीरियड पूरा नहीं हो जाता जब वो 1% कंपनी बनी थी, ठीक है। और जो कन्वर्जन है ना वो ज़रूरी हो जाता है जब पेड अप शेयर कैपिटल है वो काम पर 50 लाख से ज़्यादा हो जाए और जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाए। ये हमने पढ़ा था, क्योंकि इसकी लिमिट होती है 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और जो एवरेज एनुअल टर्नओवर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात आती है अगर आपने एक 1% कंपनी को बना लिया तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो देखो एक 1% कंपनी को ज़रूरी नहीं होता कि वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। दूसरा, उसके ऊपर जो एनुअल जनरल मीटिंग से रिलेटेड जो भी रूल्स होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, लाइक नोटिस देना, QRM वगैरह, प्रोसेस वगैरह, वो लागू नहीं होती हैं, ठीक है। इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम है ना इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड वो भी डिस्कस की गई है डिटेल में, तो अब हम उनको समझते हैं। देखो शेयर्स क्या होते हैं, तो देखो शेयर क्या होगा, एक कंपनी है लगा लो उसकी 50 लाख कैपिटल है और उसने ना उनको 5 लाख शेयर्स में बांट दिया 10 रुपये का एक शेयर। तो जो कंपनी होती है वो अपनी कैपिटल को जिन स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में बांटती है ना वो उसका शेयर कहलाता है, ठीक है। जो एक हर यूनिट होगी वो क्या होगी, शेयर। तो यहाँ पे जो 5 लाख है ना वो शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक शेयर हो गया।
नेचर ऑफ शेयर्स क्या होता है भाई, मूवेबल होता है, आप उनको किसी को भी दे सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग होते हैं, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो भी मैनर वगैरह दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग होते हैं। जो शेयर्स होते हैं कंपनी के, उनको ना जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 होता है उसमें गुड्स की तरह भी ट्रीट किया जाता है। इनको आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब बात आती है, दो प्रकार की होती है शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस वर्ड से ही क्लियर है, मतलब जिनको प्रेफरेंस मिली हुई है किनके ऊपर, इक्विटी शेयर्स के ऊपर, मतलब जिनको डिविडेंड मिलेगा एक फिक्स रेट से, लेकिन किससे पहले, इक्विटी शेयर्स को पे करने से पहले। जिनको कैपिटल मिलेगी कंपनी के वाइंड अप पे, लेकिन किससे पहले, इक्विटी शेयर्स को देने से पहले। इसके अलावा भी उनके पास और भी राइट्स होते हैं, जैसे भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट को रिसीव करने का अधिकार, ठीक है, रिडम्पशन का अधिकार, ठीक है, और जो एरर वगैरह उनको रिसीव करने का अधिकार। इनको हम इसके टाइप से समझ सकते हैं। पहला टाइप है इसका कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कॉम्युलेटिव मतलब, कॉम्युलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा होते जाना, टोटल होते जाना। मतलब यहाँ पे कॉम्युलेटिव का मतलब ये दे रखा है कि लगा लो प्रेफरेंस शेयर्स है, उसका किसी भी साल का अगर कोई भी डिविडेंड बकाया है, मतलब अभी भी एरर में है, जो उसे नहीं मिला है, तो क्या हो जाता है, कॉम्युलेट होता जाता है। और जिस साल कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो करंट ईयर का पे करने से पहले जो पिछले साल का डिविडेंड था वो पे करेगी उस प्रॉफिट में से। तो यही होता है कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, वो होते हैं जो होल्डर को इंटाइटल करते, पावर देते कि वो रिकवर कर सकता है जो भी एरर थे ना प्रेफरेंस डिविडेंड के, ठीक है। इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड करने से, मतलब पे करने से पहले, जो एरर होता है ना डिविडेंड पे, उनको किस में दिखाया जाता है, कंटिजेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत दिखाया जाता है और कमिटमेंट्स के अंतर्गत दिखाया जाता है बैलेंस शीट में। अब नॉन कॉम्युलेटिव, ये इसका उल्टा हो जाता है, जो जिनको सिर्फ एक फिक्स रेट से डिविडेंड मिलेगा, करंट ईयर का मिलेगा, अगर पीछे का कोई बकाया था, एरर में था, तो वो डिविडेंड वो क्लेम नहीं कर सकते। पार्टिसिपेटिंग का मतलब ये होता है, जैसे पार्टिसिपेट करना मतलब हिस्सा लेना, लगा लो कोई मतलब शेयर होल्डर था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उसे भाई डिविडेंड मिल गया फिक्स रेट से जितना मिलना चाहिए था, लेकिन कंपनी के पास अभी भी सरप्लस प्रॉफिट बचा हुआ है, मतलब भाई उसने इक्विटी शेयर्स को पे कर दिया, प्रॉफिट रिजर्व में भी फिर भी बचा हुआ है, तो जो मतलब प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं हमारे, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, उनको ये अधिकार है कि वो जो सरप्लस प्रॉफिट होता है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब उसमें भी अपना हिस्सा मांग सकते हैं। नॉन पार्टिसिपेटिंग जो मतलब जो एक्सेस प्रॉफिट होता है, सरप्लस प्रॉफिट होता है, उसमें कोई हिस्सा नहीं रखते, जिन्हें सिर्फ फिक्स रेट से इंटरेस्ट मतलब जो डिविडेंड है वो मिलता है। रिडीमेबल ये होता है जो एक है ना फिक्स पीरियड के बाद, मतलब जिनको पे किया जा सकता है कंपनी की कुछ कंडीशंस हैं अगर वो पूरी हो जाए तो, जबकि इरिडीमेबल वो होते हैं जो कंपनी के वाउंड अप पर ही पे किए जाते हैं, रिफंड किए जाते हैं, उससे पहले उनको रिफंड वगैरह नहीं किया जाता कंपनी के द्वारा, ठीक है। फिर बात आती है कन्वर्टेबल, मतलब जिनको आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। नॉन कन्वर्टेबल जिनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता कि वो इक्विटी शेयर्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। फिर बात आती है इक्विटी शेयर्स के बारे में, तो उल्टा होता है, देखो जिन्हें डिविडेंड मिले लेकिन किसके बाद मिले, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के बाद, जिन्हें कैपिटल मिले वाउंड अप पे लेकिन किसके बाद मिले, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उन्हें पे करने के बाद, जिन्हें फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता है, जो डिपेंड करता है कंपनी को कितना प्रॉफिट वगैरह हो रहा है, अगर कंपनी को किसी ईयर में प्रॉफिट नहीं होता है तो उन्हें कोई भी डिविडेंड नहीं मिलता है, ठीक है। बट ये पावर होती है इनके पास, इन्हें वोटिंग राइट होता है, जो कंपनी के जो भी अफेयर्स होते हैं, मतलब जो काम काज होता है जो भी कंपनी लेती है उनसे रिलेटेड, उसमें वो क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब बात आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स में और इक्विटी शेयर्स में डिफरेंस, तो देखो इनको डिविडेंड फिक्स रेट से मिलता है, इक्विटी शेयर्स को फिक्स रेट से डिविडेंड नहीं मिलता है, ये डिपेंड करता है कंपनी के प्रॉफिट पे। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जो एरर होता है डिविडेंड का वो भी ले सकते हैं, जबकि इनको कोई ऐसा अधिकार नहीं होता है, ठीक है। जो मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना वो रिसीव करते हैं डिविडेंड किसको पे करने से पहले, इक्विटी शेयर्स को, जबकि इनको प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को पे करने के बाद डिविडेंड मिलता है। जो प्रेफरेंशियल राइट होता है ना मतलब पे करने का, कहता है कि जो कैपिटल रिटर्न करने का अधिकार है वाइंड अप पे, वो किसके पास सबसे पहले होता है, हमारे एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले, जबकि इनको बाद में मिलता है जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पूरी तरह से पे कर देते हैं। इनको वोटिंग राइट नहीं होता, जबकि हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है, ठीक है। इनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होता, जो भी मैनेजमेंट वगैरह होती है, जो कंपनी के अफेयर्स वगैरह होते हैं, जबकि इनको अधिकार होता है। अब बात आती है हमारी शेयर कैपिटल क्या होती है, तो कहता है कि शेयर कैपिटल का मतलब वो कैपिटल होती है जो कंपनी के द्वारा राइज की गई है, क्या करके, शेयर्स को इशू करके, ठीक है। तो कहता है कि जितने भी इंडिविजुअल वगैरह, इंस्टीट्यूशन वगैरह हैं, मतलब जो भी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीद रहे हैं, तो उनके लिए कोई अलग से अकाउंट तो बनाया नहीं जाता, उनके लिए एक इकट्ठा अकाउंट बनाया जाता है जिसको हम शेयर कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। अब बात आती है शेयर कैपिटल के टाइप, तो देखो पहला दे रखा है ऑथराइज रजिस्टर्ड नॉमिनल, मतलब जो कंपनी के टोटल कैपिटल है ना जिससे कंपनी रजिस्टर्ड हो रखी है, किसमें,
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वगैरह में जो बताई गई है वो उस कंपनी की अथोराइज बोल सकते हो, रजिस्टर्ड कैपिटल बोल सकते हो, जो मतलब मैक्सिमम कैपिटल होती है, ठीक है, उसकी पूरी लाइफ टाइम के दौरान। इश्यूड कैपिटल मतलब अथोराइज कैपिटल का वो पार्ट जिसको उसने एक्चुअल में किसको ऑफर किया है, पब्लिक को, किसके लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए, ठीक है। और जो नहीं ऑफर किया जाता वो अनइश्यूड कैपिटल हो जाती है। और सब्सक्राइब मतलब भाई लगा लो हमने 5 लाख शेयर ऑफर किए पब्लिक को, लेकिन उन्होंने 4 लाख को क्या किया है, सब्सक्राइब किया, तो वो हमारी होगी सब्सक्राइब। तो इस सब्सक्राइब कैपिटल इश्यूड कैपिटल का वो पार्ट होता है जो एक्चुअल में पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब की गई है। जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो हमारी फुली पेड अप भी हो सकती है और नॉट फुली पेड अप भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमें अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझा रखा है कि भाई फुली पेड अप कैपिटल का कैसे ट्रीट किया जाता है और पार्टली पेड अप को कैसे ट्रीट किया जाता है, मतलब जो वो फुली पेड अप ना हो। तो देखो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में बता रखा है कि जो वैल्यू है ना शेयर्स की जो कंपनी के द्वारा मांगी जाए और जो शेयर होल्डर है वो पूरा का पूरा पे कर देते हैं, तो वो सब्सक्राइब मतलब और फुली पेड अप बोली जाती है। तो इसको समझने से पहले आपको इसका फॉर्मेट समझना होगा, तो हम पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं। तो देखो कि हमें अगर ये दिखाना हो कि हम शेयर कैपिटल को कैसे दिखाएंगे, तो हम कैसे दिखाएंगे, देखो ये हमारा बैलेंस शीट में दिखा रखा है फॉर्मेट कि जो शेयर कैपिटल है वो कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे दिखाई जाती है। तो हमारा मेन हेड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसमें शेयर होल्डर फंड में हमारे 3 हेड आते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो शेयर कैपिटल अब हम इसको पढ़ते हैं कि शेयर कैपिटल के अंतर्गत क्या क्या होता है। तो देखो शेयर कैपिटल में हमारा अथोराइज्ड कैपिटल आता है जो मतलब कंपनी की एक्चुअल कैपिटल, जिससे वो रजिस्टर हो सकते हैं, जो इक्विटी भी हो सकती है, प्रेफरेंस भी हो सकते हैं। इश्यूड कैपिटल जो कंपनी ने एक्चुअल में ऑफर किया पब्लिक को वो, और सब्सक्राइब जो कंपनी मतलब कंपनी की जो कैपिटल थी जो उन्होंने ऑफर की थी उसमें से जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है वो। इसमें से हम घटा देते हैं अगर कोई कॉल इन एरर है, मतलब कंपनी ने मांगा हो लेकिन पे ना किया हो, किनके द्वारा, जो भी मेंबर्स वगैरह थे शेयर होल्डर वगैरह के थे उनके द्वारा। और ऐड कर देते हैं इसमें फॉरफिटेड शेयर मतलब जबत किए हुए, कि अगर कई बार क्या होता है कि कंपनी पैसा मांगती है लेकिन शेयर होल्डर बीच में मना कर देता है, तो कंपनी क्या करती है उनके शेयर्स को जब्त कर लेती है, मतलब उन्होंने जो पैसा पहले पे कर दिया अब कंपनी उसको रिटर्न नहीं करेगी। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अब बात आती है इसके क्वेश्चंस के ऊपर। तो एग्जाम्पल समझते हैं, जो अथोराइज कैपिटल थी वो 50 लाख थी, जिसको 50,000 शेयर में बांटा गया था, 100 रुपये का एक शेयर था। तो अथोराइज कैपिटल के ऐड में हम डाल देंगे 50,000 × 100, तो 50 लाख आ जाएगी। और इश्यूड थी हमारी 30,000, ठीक है, और जिसमें से पब्लिक ने कितनों के लिए अप्लाई किया, 27,000 के लिए। तो हम इसको सीधा दिखा देंगे। तो देखो कैसे, अथोराइज 50,000 थी, 100 रुपये का एक था, 50 लाख आ गई। इश्यूड 30,000 थी, 100 रुपये का एक शेयर था, 30 लाख आ गई। लेकिन कंपनी पब्लिक की सब्सक्राइब कितने की, जो भी शेयर होल्डर थे 27,000, 100 रुपये का एक शेयर, 27 लाख आ गई। तो सब्सक्राइब हम यहाँ पे दिखा देंगे। अब आता है नोट फुली पेड, मतलब जो सब्सक्राइब तो की है लेकिन उन्होंने पे नहीं किया पूरी तरह। तो देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो कैपिटल है वो कितनी अथोराइज 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 10 रुपये का एक शेयर था, मतलब 20 लाख आ गई। 1.5 लाख ऑफर किए हैं पब्लिक को, ठीक है, प्रीमियम वगैरह हम इग्नोर करके चलेंगे। फिर अब आती है एप्लीकेंट है ना, उन्होंने 1,45,000 शेयर्स है ना उनको रिसीव किया है, एंड अलॉटमेंट ना उन सभी पे की गई है, जो कॉल है ना वो की गई थी, लेकिन कंपनी को ना सभी पर रिसीव हो गई छोड़कर 3 रुपये 5,000 शेयर्स पे। तो देखो हमने क्या दिखाया, हमें पता था भाई 2 लाख शेयर थे जो ऑफर किया गया था, अथोराइज कैपिटल यही थी ना, 10 रुपये का एक था, तो 20 लाख आ गई। इशू हमने 1.5 लाख किए, 10 रुपये का एक था। अब देखो उसमें हमें पता है कि भाई उन्होंने 1,45,000 क्या किए थे, सब्सक्राइब किए थे, जिनमें से 1,40,000 रुपये तो सारे मिली थी, जबकि 5,000 शेयर्स ऐसे थे जिन पर 3 रुपये क्या थे, एरर में थे, मतलब वो बकाया थे जो उन्होंने पे नहीं किए। तो हम क्या करेंगे, वो 3 रुपये हम घटा देंगे, ठीक है। फिर पहले हमारे यहाँ पे कितना आ गया, 14,35,000, इसको हम दिखा देंगे हमारे बैलेंस शीट में। यहाँ पे हमें दे रखा है कि जब कंपनी ही खुद कम ऑफर करती है, तो देखो 5 लाख इसकी थी क्या थी, अथोराइज कैपिटल, जिसमें से इसने 80% शेयर्स को ऑफर किया, मतलब 4 लाख ऑफर किया, जिसमें से कंपनी ने ना 30% अप्लीकेशन में मांगा, 20% अलॉटमेंट में मांगा, ठीक है, तो उसके बाद कंपनी ने नहीं मांगा, और जिसमें से 3,000 रुपये अभी भी क्या है वो मिले ही नहीं कंपनी को, मतलब भाई जो पब्लिक थी उसने क्या किया, उनकी पेमेंट नहीं की। तो अब इसको कैसे दिखाएंगे, तो देखो 50,000 थे अथोराइज कैपिटल, 50,000 थी, 10 रुपये का एक था तो 5 लाख आ गई। इश्यूड थी 40,000, 10 रुपये का एक शेयर था, तो हमारी 4 लाख आ गई। लेकिन सब्सक्राइब में देखो, मई 40,000 के 40,000 सब्सक्राइब किए थे, लेकिन कंपनी ने तो 5 रुपये मांगे थे, लेकिन उस 5 रुपये में से भी 3,000 शेयर ऐसे थे जिसमें 2 रुपये एरर में थे। कैसे देखो,
कंपनी ने सिर्फ 30% और 20% मांगे, 10 का अगर हम निकालते हैं 30% और 20% तो हमारा 3 निकलेगा, 10% मतलब 10 का 30% 3 रुपए और 20% हमारा 2 रुपए, तो 5 रुपए मांगे कंपनी ने तो। लेकिन उसमें से भी 3000 शेयर्स ऐसे थे जिन पर ना कोई क्या नहीं मिली, अलॉटमेंट मनी हमारी कितनी थी 2 रुपए, तो हमने क्या किया 3000 की 2 रुपए से मल्टीप्लाई करके उसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। फिर जो अमाउंट आया हम उसको बैलेंस शीट में दिखा दिया। यहाँ पे दिखा रखा है कि अगर कंपनी मतलब अलग अलग लोगों को शेयर इशू कर दिए, 6000 शेयर उसने वेंडर को इशू किए, 3000 शेयर उसने सिग्नेचरी को और वो पूरी तरह पेमेंट होकर, 19500 शेयर थे जो उन्होंने पब्लिक को इशू किए जिनमें से ना उन्होंने 6 पर शेयर ही मांगे और भाई उन पर सारी अमाउंट मिल गई। तो देखो 1.5 लाख ऑथोराइज कैपिटल थी, 28500 इशूड थी, कैसे 28000, 6000 प्लस 3000 9000 और 19500 कितने होते हैं 28500, जिनमें से 9000 मतलब 6000 और 3000 पर तो पूरी मिल गई थी जो वेंडर को इशू किए थे, जो सिग्नेचरीज को किए थे, लेकिन जो 19500 थे उस पर कंपनी ने सिर्फ 6 रुपए ही कॉल्डअप किए थे, मतलब मांगे थे, ठीक है। कॉल्डअप का अगर मीनिंग नहीं पता तो वही होती है, कॉल्डअप कैपिटल वो पार्ट होता है सब्सक्राइब कैपिटल का जो एक्चुअल में मांगी गई है कंपनी के द्वारा, और पेड अप वो होती है कॉल्डअप कैपिटल का वो पार्ट जो पब्लिक से एक्चुअल में रिसीव की गई है। रिजर्व कैपिटल वो पार्ट होता है अनकॉल्ड कैपिटल का जो कंपनी ने ना मतलब भाई क्या कर दिया, डिसाइड कर लिया कि मतलब हम कब मांगेंगे उसको, कोई स्पेशल इवेंट हो जाएगा तभी मांगेंगे, वो होती है रिजर्व कैपिटल। मतलब जब तक कि कोई स्पेशल सिचुएशन ना हो जाए या वाइंड अप ना हो जाए तब तक कंपनी उस कैपिटल को नहीं मांगती, मतलब रिजर्व करके रखती है, वो हमारी हो जाती है रिजर्व कैपिटल। इसके लिए वो एक स्पेशल रिजोल्यूशन वगैरह पास करती है, इसको हम समझ चुके हैं यहाँ फॉर्मेट को भी। इससे आगे हम हमारे आने वाले नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे हैं जैसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।